उनको देते हो तो उनके पास टाइम अच्छा करते हैं। तो ये सारी चीजें दिक्कत ही एक साथ इतनी चीजें फिर नीचे जड़े जा। मतलब मुझे नहीं याद आता कि कोई T20 वर्ल्ड कप ऐसा हुआ हो जिसमें टूर्नामेंट से पहले अचानक से आप इतने बैटिंग, मतलब कोई भी नहीं चल रहा। हाँ, टू एन एक्सटेंट आप कह सकते हो दुबई में जो वर्ल्ड T20 हुआ था 21 में, उससे पहले जो आधा IPL हुआ था वहां पे, पर अगेन उसमें ना आप 3 साल पहले की बात कर रहे हैं जहां पर आपके खिलाड़ी शायद अपनी पीक में थे। अगर वो पाकिस्तान का मैच इंडिया का पहला अच्छा हो गया होता, इनफैक्ट 21 में मैं मानता था इंडिया बहुत बड़ा कंटेंडर है टू विन द वर्ल्ड कप, बिकॉज आप इंग्लैंड में सीरीज जीत के आए थे, भले वो टेस्ट सीरीज थी, बट माहौल था, मोमेंटम था, और IPL दुबई में हो रहा था, तो हमें लगा कि यार आपको फायदा होगा। और फिर आपको ये भी याद होगा कि थाला भी गए थे, मेंटोर बन गए। आई थिंक 21 वर्ल्ड T20 में आई वाज क्वाइट गंग हो कि हाँ हाँ यार ये स्लोइश कंडीशंस में ना सूट करेंगे, हाँ इंडिया को सूट करेंगे। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया वर्ल्ड कप के लिए रेडी हो चुके हैं। पाकिस्तान टीम को देखें तो इससे पहले जितने भी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम जाती है, बाबर आजम नंबर वन हो जाते हैं, पाकिस्तान टीम भी नंबर वन हो जाती है। भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम वनडे की नंबर वन टीम थी। फिर पिछले साल देखें तो इंग्लैंड में जब पिछले साल जो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ था, पाकिस्तान टीम नंबर वन थी। और जब देखा जाए तो 2021 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम नंबर वन, पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल खेलती है, फिर जाती है फाइनल खेलती है, और फिर वनडे में 5वीं पोजीशन पर फिनिश करती है। दोस्तों, अब इंडिया की टीम को देखें तो इंडिया की टीम में बड़े बड़े टॉप मौजूद हैं। IPL में इन्होंने 200 रन बनाए हैं, यहाँ तक कि 260 के करीब रन बनाकर उसे चेज भी करवा दिया है, इतने बड़े बड़े रन ये बनाते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब ये प्लेयर आए हैं इंटरनेशनल में तो इनके सभी भारतीयों को डर लगना शुरू हो गया है कि हमारी टीम इस बार भी हार जाएगी। लोग बहुत से कहते हैं कि चले हुए कारतूसों को फिर से ला खड़ा गया है, क्योंकि इस टीम में अगर देखें तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, उसके बाद सारे वही प्लेयर हैं जो पहले भी वर्ल्ड कप में मौजूद थे। ये वही टीम है जो 2021 में पाकिस्तान से 10 विकेटों से हारी, फिर इस टीम में थोड़े चेंजेस हुए, फिर वो टीम जो इंग्लैंड से 10 विकेटों से हारी, ऑस्ट्रेलिया से हारी, ये वही टीम है। क्योंकि इंडियन कंडीशन में ये विकेटें ले लेते हैं, सामने वाली टीम को बिल्कुल बेकार कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, अमेरिकन कंडीशन क्या इन्हें सूट कर पाएंगी या नहीं, यही इस बात का सबसे बड़ा डर इन्हें लगा हुआ है। जबकि पाकिस्तानी बॉलर के लिए अमेरिकन पिचेस किसी मौजे से कम नहीं होंगे। नई पिचेस हैं, कोई मानसून इन पर गुजरा ही नहीं है, बिल्कुल नई पिचेस बनाकर लाकर उन्होंने रख दी है। बिल्कुल बुरबुरी पिचेस होंगी जिसमें बॉल इस तरह टर्न होगी और स्विंग होगी जैसे बॉलर चाहेगा, आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब क्या है ना कि उनके भी लगता है कि दिमाग में कई तरह के द्वंद चलते रहते हैं। एक तो कप्तानी का, आखिरी बार कप्तानी, आखिरी वर्ल्ड कप, जीतेंगे नहीं जीतेंगे, ऐसा होगा नहीं होगा। उसमें आपने अपने खेलने का जो तरीका बदला कि नहीं तो मैं शुरू से बाहर आ करूंगा। मैंने उनके देखा यार, अभी देख रहा था, दिन में आ रहा था स्टार स्पोर्ट्स पे उनकी अफगानिस्तान वाले ने, आपने थोड़ा वक्त लिया, वक्त लेने के बाद आपने सेंचुरी जमा दी यार, दमदार सेंचुरी। तो यार रोहित शर्मा आपके खेलने का एक स्टाइल है, आप थोड़ा वक्त ले लिया करें, आप हड़बड़ी ना मचाएं वहां पे, थोड़ा वक्त ले लें आप उसको। बट कभी कभी ऐसा मतलब वही हो रहा है कि वो रश में दिख रहे हैं, मतलब थोड़ा सी टीम में खलबली मची हुई थी, सिंगल खलबली थी वो कोच की वजह से। आपकी टीम जाती है वहां, बांग्लादेश से भी हार जाती है, सबसे हार के रद्द होके आके ग्रुप स्टेज से आ जाती है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया मुतल्लिक यशस्वी जायसवाल के, दिल को बहलाने को तो गालिब ख्याल अच्छा है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन में जाता है, यशस्वी है तो क्या गम है। लेकिन यशस्वी प्लान को उतरने से पहले अगर खारिज हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि मतलब आपको प्लान सी पे जाना पड़ेगा अगर प्लान बी भी फेल हो गया तो। हम लोग क्या सोचते थे, चलो यार रोहित जैसा भी खेलेंगे जैसा भी खेलेंगे, कम से कम यशस्वी तो है जो एक खड़का खेलेगा जो आपको पावर प्ले। यार यशस्वी का ना होना, अगर हम आज से बात कर रहे हैं कि यशस्वी बैठेंगे बाहर और विराट और रोहित ओपनिंग कर रहे होंगे, आप समझो आपका ना मतलब इंजेक्शन से ठीक ठाक निकाल लिया गया टेस्ट करने के लिए, ब्लड निकालते हैं ना थोड़ा थोड़ा, ठीक है ऋषभ पंत टेस्ट में, ऋषभ पंत वनडे में, लेकिन ऋषभ पंत चूंकि आपकी पूरी की बल्लेबाजी खड़ाती दिख रही है तो कम से कम एक भरोसे वाला बल्लेबाज जो समझू में मुझे दिखता है। चलिए बल्लेबाजी की बात हुई, गेंदबाजी में क्या है, जैसे आपने कहा ना हमारी मैनेजमेंट, देखो सर ये भी है कि हमारी मैनेजमेंट के पास हर चीज का एक अलग एक वो रहता है पर्सपेक्टिव, क्योंकि अभी हम बात करेंगे शायद यशस्वी भी नहीं खेलते हुए दिखेंगे, ठीक है कि राइट संदेश देने वाले बल्लेबाज हो। राइट संदेश कैसे आप दे सकते हो, जब आप एक बल्लेबाज उसी पिच पर ऐसा लगे कि ये तो खेलना है जी वानखेड़े वाले पे, तो दूसरे वाले को भी लगेगा कि यार अब ये बल्लेबाज अगर वानखेड़े वाले पे खेला तो मैं चेन्नई वाले पे नहीं खेल रहा हूँ, हमें भी कुछ करना होगा। नहीं तो दोनों तरफ अगर भूल गए ना दो उसी तरह के कि ठीक है चलते रहे चलते रहे चलते रहे तो उनको बेड़ा घर कर दे। वैसे भी एक सिल्वर लाइनिंग है कि जब आपकी टीम सो कॉल्ड फेवरेट के तौर पर जाती है, यार इंडिया तो मजबूत है, दावेदार है, ये है वो है, तो आप ना लुटियन हो के आते हो। अब इस बार दुनिया में से कोई भी अब कहने वाले दो चार ऑस्ट्रेलियन मिल जाएंगे बहुत मजबूत है इंडिया, लेकिन हिंदुस्तान को ही पता है कि आप दावेदार के रूप में तो नहीं जा रहे हो, और शायद ही आपको हेल्प करें कि आपसे बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि आपने जो उम्मीदें थी उनको नोच नोच के आपने जमीन पे फेंक। सर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जो मैं इस साइकिल देख के मैंने फॉलो किया है, यशस्वी जायसवाल का आपने देख लिया कि वो थोड़ा बॉल पे लेट आ रहा है, वो सर्कल के अंदर आउट हो रही है, दुनिया देख रही है, ये दुनिया देख रही है, दुनिया जान रही है।
रोहित को आपने देख रखा है, चाहे वो पैट कमिंस हो चाहे वो बोल्ट हो, आपको क्या डालना है और रोहित कैसे विकेट दे रहा है, वो थोड़ा उनका स्ट्रगल भी है। फिर एक आपके विराट आते हैं, चलो ठीक है, सूर्या, सूर्या को उन्होंने दिखा दिया कि भाई सूर्या को अगर अच्छा पेस दोगे आप तो सूर्या ये करके पार कर देते हैं, सूर्या को स्लोअर बाउंसर ने पकड़ लिया, और स्लोअर बाउंसर में आप देख लो उनको जितने बार वो खेलते हैं तो कहीं ना कहीं दुनिया भी देख रही है आपको, जिस तरह नाचते रह गए थे ना वही बोल वर्ल्ड कप भी, अभी भी आप अगर स्लो वाला देख लो, स्लो बाउंसर पैट कमिंस वाले मैच में, पैट कमिंस ने उन पे ट्राई किया वाले मैच में, रसल ने आउटसाइड ऑफ डाला, द प्रेशर लगा हुआ है जब आपको, मतलब आपके ऊपर डिपेंडेंट है मैच, तब आपने इधर से कोशिश करा कि मैं ये दिखाते हुए पार लगा दूंगा लेग साइड, नहीं हुआ, इडन तो छोटी ग्राउंड है, वहां बाउंड्री लाइन पर कैच हुई क्योंकि वो बॉल पहली बार तो इधर मारने की नहीं थी, और फिर आप कहने की एग्जीक्यूट विराट रोहित तीन सूर्य चार शिवम पांच पंत छह रिंकू, रिंकू है नहीं है, सात हार्दिक आठ कुलदीप नौ यूजी दस बुमराह ग्यारह अर्शदीप, जडेजा आपकी टीम में नहीं है, आई थिंक आप शायद बॉलिंग ऑप्शन शिवम और हार्दिक थोड़ा सा आप टाइट चल रहे हैं, और रिंकू तो टीम में ही नहीं है, स्क्वाड में ही नहीं है। विक्रम तलरेजा जी ने भी क्या टैग किया है इंस्टाग्राम और ट्विटर पे, @_India उन्होंने लिखा हुआ कि पंड्या और जड्डू एक साथ नहीं खेल सकते, हमें छह बल्लेबाजों के साथ जाना पड़ेगा, बी ब्रेव, जो मिलेगा चेस कर लेंगे, पांच बॉलर्स के साथ जाओ इंक्लूडिंग ऑलराउंडर, एंड इफ दुबे कुड बॉल देन ही कैन बी आवर फिफ्थ ऑप्शन, इफ ही कैन तो नो डाउट अबाउट दैट। हाँ जी, स्मॉल टी20 तो ऐसे कितने वर्ल्ड कप रहे जब आपको डर लगा है कि मैं जा रहा हूं, बट इंडिया के हालात अभी उतने अच्छे नहीं है, तीन वर्ल्ड कप में उम्मीद नहीं थी और 15 में भी जब गए हैं तो उम्मीद नहीं थी, बट उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया का यार वर्चस्व इतना था कि अभी तो आप कहते हो ना इंडिया कैन विन, उस वक्त सोचना मुश्किल था। 19 में मुझे लगता है कि हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ गए, 23 में भी कॉन्फिडेंस के साथ गए, 7 में भी कॉन्फिडेंस के साथ ही गए थे, मुझे नहीं याद आता 50 ओवर के वर्ल्ड कप में, 3 में थोड़ा सा डर था बाकी, और वो जमाना भी डिफरेंट था। टी20 तो यार मैंने मैदान से तो एक ही टी20 कवर किया है ऑस्ट्रेलिया वाला, शुरुआत में 2021 में नहीं किया था, 21 में नहीं आ गया था, वापस आ गया था एशिया कप नहीं आईपीएल का फाइनल गए थे वो सलाम करके एंड केम बैक, उसमें बाकी चैंपियंस ट्रॉफी की है कवर इस बार, लेकिन जब आपका टिकट 6 का हो चुका है तो क्या है, डर तो है, डर है, डर है बिल्कुल है, लेकिन अगेन इंडिया ऐसा नहीं है कि नहीं जीत सकता यार, बट ये है कि जैसे 50 ओवर के वर्ल्ड कप में ना समाओ आप को मालूम होता है कि यार इंडिया के पास बहुत काबिलियत है, टी20 में थोड़ा डर, और डर ना बुरा नहीं है, डर थोड़ा बुरा नहीं है, the only thing is कि I hope कि जो इनकी सोच है वो, बट सर एक चीज बड़ी अजीब है, जैसे हम बात करते हैं खिलाड़ी जब एक लेवल पे आ जाते हैं तो उनको पकड़ा जाता है, गेंदबाज पकड़ते हैं, जिस तरह भी यशस्वी आउट हो रहे हैं वर्ल्ड कप में भी बाकी टीमें देख रही होंगी कि यार इनको आप बॉल जो है सर्कल के अंदर आउट हो रहा है, स्लोअर वाला जो बॉल है वो मैंने नहीं सूर्या को ही फंसा रहा है ऑस्टम के बाहर, हाँ वो सूर्या को ही फंसा रहा है, इवन जो हमने वर्ल्ड कप में भी देखा था, क्योंकि आप अगर पेस हार्दिक नहीं चलेंगे आप जानते हैं इंडिया नहीं चलेगा, और जिस वक्त हार्दिक चलेंगे आप जानते हैं कि इंडिया चलेगा, तो वो कंपैरिजन नहीं है प्रगट जी। अच्छा तनव जी हैं, वो कह रहे हैं तनव गुप्ता जी, अ मैन, सुनिए, अ मैन इज नॉट मैन इनफ इफ ही डजंट मीन हिज वर्ड्स, रिपीट करूंगी, अ मैन इज नॉट मैन इनफ इफ ही डजंट मीन हिज वर्ड्स, राहुल रावत टोल्ड ही विल रिवील ABCD इन दिस आईपीएल, राहुल भाई बता दो आज, नेशन वांट्स टू नो हु इज ABCD, और पहली लाइन फिर से रिपीट करता हूं, अ मैन इज नॉट मैन इनफ यार, ये वैसे डजंट मीन हिज वर्ड्स, बट तनवर जी इफ आई रिवील, तनवर नहीं वो तनव है, तनव सॉरी, तनव सॉरी यार तनव, बट द प्रॉब्लम इज इफ आई रिवील A man will not remain a man. नहीं, ऐसे नहीं होता यार। राहुल भाई भी गए थे उस पार्टी में? नहीं, कौन सी पार्टी? वो पार्टी का प्रोग्राम बना था, पार्टी क्या बताया था? राहुल भाई बताया था। दीदी आगे सवाल देखो क्या है।